इंसान यहां से ईमान ले जाएगा। इसकी फिक्र कीजिए,
रोज़ा रोज़ किए, किसी को कोई खबर नहीं कि कब किसका वक्त खत्म होने वाला है, किसी का वैलिडिटी पीरियड किसी को नहीं मालूम। बैटरी चार्ज करके हम समझते हैं कि चलो दो दिन चलेगी, दो दिन के बाद हम रिचार्ज करेंगे। हम समझते हैं जब हम अपने मोबाइल फोन में पैसे डालते हैं तो उसमें डेट आती है कि आपका ये कार्ड कितने महीने चलेगा, कितने साल चलेगा, लेकिन खुदा की कसम कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है। वो आखिरत के लिए उसको तैयारी करना है। उस खालिक, उस मालिक ने जब दुनियावी यूरिया की तकमील के सामान फराहम किए तो इसी दुनिया में वहां की यूरिया की तकमील का भी पूरा लिहाज फरमाया। आप जानते हैं अल्लाह पाक की रहमतें हर आन हर लम्हा हर पर हर एक पर है, सब पर है। मोमिन पे है, काफिर पे है, मानने वाले पे, नहीं मानने वाले पे, झुटलाने वाले पे, लेकिन उसकी रहमतें दो तरह की। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं और रहमान रहीम पढ़ते हैं, या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। रहमान और रहीम इसके माना वगैरह हम गौर करें तो हमको बताया ये जाता है कि रहमान के माना भी रहीम रहम करने वाला, रहीम के माना भी रहम करने वाला। जब दोनों के माना रहम करने वाला हुए तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो बताया ये गया कि रहमान और रहीम में दोनों में सिफत मुश्तरक है रहमत की, लेकिन एक होती है रहमत आम और एक होती है रहमत खास। एक रहमत आम वो जो हर मौके पर है, हर एक बंदा हवा से फायदा उठा रहा है, हर एक बंदा सूरज से फायदा उठा रहा है, हर एक बंदा चाहे वो कोई हो जब जमीन पर बीज डालता है तो बीज दाना बनकर उगता है, चाहे वो कोई कहीं का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, मानने वाला हो ना मानने वाला हो, किसी मजहब का हो, ये उसकी रहमत आमा है, सब पर है, किसी से छुपी भी नहीं। बारिश बरसती है तो मोमिनों पे भी बरसती है, काफिरों पे भी बरसती है, मानने वालों पे भी बरसती है, एक को मानने वाले भी बरसती है, एक से ज्यादा को मानने वालों पे भी बरसती है। ये रहमत आमा है। दवा देते हैं तो शिफा अल्लाह ताला सबको देता है, मोमिन को भी देता है, काफिर को। ये रहमत आमा है, आम रहमत है, लेकिन एक रहमत खास है, एक रहमत खास है जो अपने खास बंदों को अदा फरमाता है। वो कौन सी रहमत है जिसे रहमत खासा कहा जाता है, रहमत खास कहा जाता है? जी हाँ, वो रहमतें जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को आखिरत में नवाजेगा वो रहमत खास कहलाती है। और उसके लिए दुनिया में अल्लाह अपने मोमिन बंदों पर खास करम फरमाकर माहौल अदा करता है। हजरात आप समझ गए होंगे मैं कहां आ रहा हूं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखिए एक आदमी है, एक ऐसे मुकाम पर हो जाता है जहां पे सब अल्लाह वाले हैं, सब अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, तो इसको भी मजबूरन अपनी बुराइयों को छोड़कर या तो अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा या चुप रहना पड़ेगा। माहौल उसे खुद ब खुद चुप रहने पर मजबूर कर देगा। एक गालियां बकने वाला है, गालियां बकने वाले साल जरा सोहबत में बैठेगा तो वहां उधर से एक, इधर से दो, उधर से चलती रहेगी, लेकिन जब किसी एक आदमी की सोहबत में बैठेगा तो उसके ऊपर ताला लग जाएगा। वही आदमी जो गालियां देता तो ताला लग जाएगा। वजह क्या है? माहौल के तकाजे होते हैं। वक्त के सपे किया हमारे हाथों में, हमारे बुजुर्गों ने तस्बीह क्या है हमारे हैदराबाद के बहुत बड़े बुजुर्ग बहरुल रूम हजरत अल्लामा अब्दुल हदीस सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी कहीं बाहर जाओ तो हाथ में तस्बीह रखा करो। लोग मुझसे हजरत तस्बीह के हाथ में रखने से क्या होता, कहने लगे कि तस्बीह हाथ में होगी तो साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर आपका हाथ खुद बहुत चलने लगेगा।